सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर गणित विषय में आपको क्या क्या पढ़ना है यह पिछले क्लास में मैंने बता दिया था। अब इस क्लास से हम लोग चैप्टर वाइज पहला चैप्टर आपका डिस्कस करेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। और जितने भी आपके कॉन्सेप्ट दिए हैं सभी चैप्टर्स में, कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा। पहले आप समझ लेंगे कि क्या चीजें हैं, ठीक। जब आपको समझ में आ जाएगा तो उस पे आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा हर एक कॉन्सेप्ट पे, और साथ ही साथ आपको कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और चैप्टर लास्ट में आपको प्रैक्टिस के लिए भी प्रश्न मिलेंगे। तो इस तरीके से हर एक चैप्टर को मैं आपको पढ़ाते हुए चलूंगा और बहुत अच्छे से आप हर एक चीज समझ पाओगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो पाएगी। इतना आप कर लोगे तो किसी भी चैप्टर से, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन उठा करके लगाओगे तो आपका जो क्वेश्चन है आप खुद अचंभित रह जाओगे कि हाँ, आसानी से मैं सभी प्रश्नों को कर ले जा रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से बस आपको पूरा अटेंटिव रहना है, पूरा फोकस अपना देना है। देखिए, बात फोकस की ही है, आपको पूरा जब आप फोकस दिए रहोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जो प्रश्न यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि देखिए मैथ में पूरा प्रैक्टिस ही है, थोड़ा सा समय लगेगा आपको कॉन्सेप्ट समझते और ज्यादा समय आपको देना है प्रैक्टिस में। तो इस तरीके से समझ में आ रही होंगी चीजें, किस तरीके से आपको क्लासेस मिलेंगी। यहाँ यूट्यूब पे आपको आधा सिलेबस मिलेगा और कंप्लीट सिलेबस आपको अस्तित्व एकेडमी ऐप पे मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऐप का, ठीक है। और कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कॉल करके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपका चैप्टर पहला, चैप्टर फर्स्ट आपका क्या है, कर्णी, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल तथा इस पे आधारित संक्रियाएं। अब कर्णी क्या होती है, किसी संख्या का वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, घन और घनमूल क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। इन पे आधारित किसी संख्या का कर्णी कैसे निकाला जाता है, किसी संख्या का वर्ग, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, घन, घनमूल कैसे निकाला जाता है, और कर्णी में मान लेते हैं गुणा हो रहा होता है, जोड़ हो रहा होता है, तो कैसे होता है, ये सारी चीजें ये आपको यहाँ पे समझना है। बहुत ही आसान है, बस आप देखते जाइए। देखिए, कर्णी और घातांक, सर्ट्स एंड इंडिसेस, ये आपका पूरा चैप्टर है। इसमें पहला टॉपिक हम लेंगे आपका, वो है घातांक इंडिसेस। देखिए, हम अभी शुरू में कर्णी नहीं, शुरू में हम घातांक पढ़ेंगे, क्योंकि आप घातांक जब समझे रहोगे, घातांक आसान है समझे रहोगे, तो कर्णी समझने में और भी आसानी होगी। बस थोड़ा सा ये है कि एक स्टेप टाइप का बन जाएगा, नहीं तो पहले आप कर्णी भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखिए, घातांक इंडिसेस क्या होता है, तो किसी बड़ी संख्या को संक्षिप्त में प्रदर्शित करने के लिए उसे घात के रूप में लिखा जाता है। अब कहीं पे मान लीजिए आपको लिखना है 1 लाख, जब 1 लाख आप लिखते हो तो आपको क्या लिखना पड़ता है, 1 के आगे 5 जीरो इस तरीके से लिखना पड़ता है। लेकिन इसी को मैं कहूं आप आसानी से लिख सकते हो। देखिए, 1 लाख क्या होता है, 1 लाख होता है 10 का 5 बार गुणा। 10 का 5 बार अगर आप गुणा कर देते हैं तो क्या आपको मिल जाता है, 1 लाख, 1 के आगे 5 शून्य। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं 10 के 5 के गुणे को, 10 का 5 बार गुणे को हम लोग लिख लेते हैं 10 के घाते 5। ऐसे 10 लिखा है, उसके ऊपर की तरफ दाहिने और ऊपर की तरफ लिख देंगे 5, यानी कि ये हो गया 10 का 5 बार गुणा। अब चाहे 1 लाख आप लिखिए या 10 का 5 बार गुणा लिखिए, तो ये तो और बड़ा रूप हो गया, जो सबसे छोटा रूप हो गया वह 10 के घाते 5 हो गया, ठीक। इसी तरीके से 10 लाख को क्या लिख सकते हैं, 10 के घाते 6 लिख सकते हैं, 1 करोड़ को 10 के घाते 7 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि एक संख्या का संक्षिप्त रूप जो है वह हमारा क्या है, वह घातांक के रूप में प्रदर्शित करना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 के घाते 3। कैसे, 1000 का
1000 बराबर होता है 10 का 3 बार गुणा, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 10 के घाते 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 के घाते 3 में 10 आधार, इसको बोलते हैं, इस 10 को बोलते हैं यहाँ पे बेस आधार, और 3 उसकी घात या घातांक, या इंग्लिश में पावर बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए आप कि हम 1000 को 10 के घाते 3 लिख सकते हैं, और 10 जिसमें क्या होगा आपका आधार होगा, बेस होगा, और 3 क्या होगा घात होगा या पावर बोलते हैं। तो इस तरीके से अब ये समझ गए आप कि किसी बड़ी संख्या को इस तरीके से हमने संक्षिप्त रूप में लिख दिया आधार और घात के रूप में। अब इसके आगे समझिए कि घात के कुछ नियम होते हैं, घात के कुछ नियम होते हैं, जैसे संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग आपने पढ़ा है, यह नियमतः होता है। उसी तरीके से घात में कैसे चीजें काम करती हैं, जब दो संख्याएं घात में लिखी रहती हैं तो कैसे क्या होता है, इसके नियम होते हैं। ये नियम आपको सीखना बहुत जरूरी है, इन्हीं पे आधारित आपके प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं घातांक के नियम, रूल ऑफ इंडिसेस। तो देखिए, अभिव्यक्तियों को हेर फेर करने के लिए घातांक के कुछ नियम होते हैं जिसका पालन करना पड़ता है, ये नियम से ही काम होता है, आपको पता है। अब देखिए पहला नियम आपका क्या है, पहला नियम कह रहा है कि ए के घाते 0 बराबर 1। अब ए यहां पे क्या है, ए कोई भी संख्या हो सकती है, ए की जगह कोई भी संख्या आपका 2, 4, 10, 20, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, कुछ भी ए के अगर जगह पे आ गया, मान लेते 100 आ गया और 100 के घाते आपने लिख दिया 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। 425 आ गया, उसके घाते 0 है तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो कोई भी संख्या यहाँ ए पी जगह आ जाए, आधार में कोई भी संख्या हो अगर घात में 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक, ये आपका पहला नियम है, ये पहला नियम आप समझ गए कि किसी भी संख्या के घात में, जैसे 425 हमने लिखा था, के घात में 0 बराबर 1 हो जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा नियम समझिए, दूसरा नियम कह रहा है कि किसी भी संख्या है, कोई संख्या a है, उसके घात में है ऋण m, तो उसको लिख सकते हैं 1/a^m, यानी कि कोई संख्या है जैसे 7^(-5) है, ये है, तो इसको कितना लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 1/7^(-5), यानी 7^5। तो ये हो जाता है दूसरा नियम आपका कि कोई संख्या a है, उसके घात में ऋणात्मक घात है, तो उस घात को हम धनात्मक कर सकते हैं, कैसे, उसको 1/1 के रूप में लिख के, जैसे 7^(-5) था, इसको हमने लिख दिया 1/7^(-5), ये हमारा हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए तीसरा नियम क्या कह रहा है, तीसरा नियम कह रहा है कि 1^(m)/(1^n) बराबर 1^(m)-n, यानी कि जैसे कहीं पे कोई संख्या है 7^3^(-7^2), तो इसको कितना लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 7^3^2, यानी कि यही हो जाएगा आपका 7^5। अब यहां पे आप समझिए क्या हो रहा है, तीसरे नियम में दो घातांक, दो घात वाली संख्याओं का गुणा हो रहा है जिनका जो आधार है वह समान है, तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी। जैसे यहाँ पे 7^3^(-7^2) हो रहा था, यहाँ 7 आधार में है, यहाँ पे भी है, तो आधार समान है तो घातें जो हैं वह जुड़ जाएंगी। ठीक है, यहीं पे अगर मान लेते हैं ऐसे होता 6^3^(-4^3), तो इसको आप क्या लिखते, इसको आप कुछ नहीं लिख सकते थे, जब तक आधार समान नहीं रहेगा तब तक ये नियम आपका लागू नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है। इसके बाद तीसरा नियम आप समझ गए कि अगर आधार समान है और गुणा का चिन्ह है बीच में, तो जो है जो घाते हैं वह जुड़ जाएंगी, मतलब कि 7^3^(-7^2) को हम लोग लिख सकते हैं 7^3^2 या 7^5। ठीक, अब इसके बाद देखिए
चौथा नियम क्या है आपका, ए के घाते एम भागा ए के घाते एन बराबर क्या होगा, जो जिस घात में भाग जा रही है उसमें से हम जो है जिस घात से भाग जा रही है उसको घटा लेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए, जैसे कहीं पे है पांच के घाते सात भागा पांच के घाते तीन, तो इसको कितना लिख सकते हैं, पांच के घाते सात माइनस तीन, इतना लिखा जा सकता है। ठीक है, कहीं पे भाग हो रहा हो इस तरीके से, आधार समान हो और भाग हो रहा हो और इस तरीके से घात लगी हो उनके ऊपर, तो घात से नहीं मतलब है, बस आपका आधार समान होना चाहिए। तो आधार समान है तो जो अंश में घात है उसमें से घटा देंगे हर वाली घात, तो ये हो जाएगा अंश में घात था सात और हर में तीन था, तो ये आधार वही रखते हुए पांच, तो इसको लिख सकते हैं सात माइनस तीन, ये उत्तर कितना आ जाएगा, पांच के घाते चार, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये चौथा नियम आप समझ गए। इसके बाद देखिए पांचवा नियम है, ए के घाते एम और ब्रैकेट के घाते एन, अगर कहीं पे लिखा है चार के घाते दो और के घाते तीन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, चार के घाते दो गुणे तीन, कहीं पे अगर आधार ए है उसके घाते एम है और उसके घाते एन है, तो अगर घात के ऊपर घात है, घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे ए के घाते एम घाते एन बराबर हो जाएगा ए के घाते एम इंटू एन, जैसे चार के घाते दो है और उसके घात तीन है, तो इसको लिख देंगे चार के घाते दो गुणे तीन, यानी कि हो जाएगा चार के घाते दो तीन छः, दो के चार के घाते छः, तो इस तरीके से ये आपका पांचवा नियम हो गया। अब छठवा नियम देखिए, छठवा नियम कह रहा है ए के घाते एम बटे एन है, मतलब कोई संख्या है और उसके घात में एक भिन्न है। ठीक है, ए के घाते एम बटे एन है, जैसे एक संख्या है आपकी 16 और उसके घात में है 5/2, 5/2, तो इसको जैसे एक संख्या को ये 16 और उसके घात में है 5/2, तो अब इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कर्णी n और a के घाते m बराबर, या फिर इसी को लिख सकते हैं n कर्णी और कर्णी में संख्या a और के घाते m। ठीक है, ये जब अभी आप इसके बाद कर्णी पढ़ लोगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, कैसे यहाँ पे कर्णी आ जा रही है, ये चीजें आपको और समझ में आ जाएंगी। बस यहाँ अभी ये समझिए कि ये जो बटे में है उतने घात की यहाँ पे कर्णी लग जाएगी, उतना घात यहाँ पे n होगा और के घात कर्णी लग जाएगा, और चाहे कर्णी के अंदर a के घात m लिखिए या पूरे के घात m लिख दीजिए, बात एक ही है। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट टू, ये कर्णी की घात दो है और 16 के घाते पांच लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं कर्णी में 16 और कर्णी की घात दो और पूरे के घात पांच, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका छठवां नियम। अब इन सभी नियमों पे ये आपने देख लिया, समझ लिया कि कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये घात के नियम आसान हैं, आप समझ गए। अब ये छठवां नियम थोड़ा सा आपको कम समझ में आया होगा, ये अभी हम कर्णी पढ़ने जा रहे हैं, तो कर्णी जब आप पढ़ लोगे तो आपको ये नियम जो है घात का ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। शायद जिन्होंने कर्णी पहले से पढ़ रखा थोड़ा बहुत, उनको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए यहाँ पे आपने घातांक पढ़ लिया, घातांक के नियम पढ़ लिए, और अब यहाँ पे आपको पढ़ना है कर्णी और कर्णी में क्या क्या नियम होते हैं, सभी नियम को हम पढ़ेंगे, नियम पे आधारित प्रश्न जो है वह हम साथ के साथ करते चलेंगे, और उसमें आपका जो घातांक आपने पढ़ा है, घातांक के नियम पढ़े हैं, उसके भी नियम का प्रयोग होगा, और साथ ही साथ जो यहाँ पे आप कर्णी के नियम पढ़ेंगे उसका भी प्रयोग होता चलेगा, तो आप चीजें सीखते हुए चलिएगा बहुत ध्यान से। देखिए कर्णी सर्ड्स, ये होता क्या है कर्णी, तो किसी वास्तविक धन पॉजिटिव इंटीजर राशि के मूल को कर्णी कहते हैं, यानी इसके मूल को पूर्णतया ज्ञात ना किया जा सके, जैसे रूट टू, इसको कर्णी के अंदर दो पढ़ेंगे या रूट टू पढ़ सकते हैं, इसी तरीके से रूट फाइव, और ये देखिए यहाँ पे तीन लिखा हुआ है, तो इसे
क्यूब रूट ऑफ 17 और यहाँ पे एन रूट ऑफ एक्स आदि, ये क्या है। अब इसका मान आप देखेंगे तो इसका कोई एग्जैक्ट मान नहीं आता, ये दशमलव के बाद चलता रहता है। ये दर्शा क्या रहा है, ये दर्शा रहा है उस मान को, उस संख्या को। रूट टू क्या दर्शा रहा है यहाँ पे, ये समझिए कि ये करणी में दो, ये क्या है, ये है वह मान, जो वह संख्या का मान जिस संख्या का दो बार गुणा करने पे दो आ जाए। ठीक है, जैसे रूट दो का मान कितना आता है, 1.4142, इस तरीके से ये चलता जाता है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। ठीक है, तो इसका एक पूर्णतः मान जो है वह ज्ञात नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो मान है इसका आप दो बार गुणा करेंगे, 1.4 का गुणे 1.4 आप करेंगे तो लगभग आपको दो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्या दर्शा रहा है, करणी में दो, ये दर्शा रहा है वह संख्या जिसका दो बार गुणा करने पे जिसका मान जो है वह दो आ जाए। इसी तरीके से यहाँ पे करणी में पांच क्या है, वह संख्या करणी में पांच का मान क्या आएगा, वह संख्या जिसका दो बार हम गुणा करेंगे, तो पांच हमको मिलना चाहिए। और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 17 मतलब वह संख्या जिसका तीन बार हम गुणा करें तो हमको 17 मिल जाए, और यहाँ पे n बार गुणा करें तो x मिल जाए। ये क्या है, ये करणी है, ये करणीगत राशियां हैं। ठीक, अब देखिए करणी को प्रदर्शित करने के लिए मूल सूचक चिन्ह का जो प्रयोग होता है ये यही है। इस तरीके से आप करणी बनाते हैं और यहाँ पे करणी की घात दर्शाते हैं n। ठीक है, ये हो गया आपका का प्रयोग करते हैं, किसी भी संख्या पे करणी दर्शाना है तो इस तरीके से दर्शाते हैं। माना n रूट एक्स एक करणीगत संख्या है, इसका आधार x करणीगत राशि कहलाती है। अब इसमें क्या है, ये जो x है ये क्या कहलाएगा, ये करणीगत राशि कहलाएगा, तथा n जो है वह करणी का घातांक या करणी का घात कहलाएगा। ठीक है, करणी में n का मान कुछ ना दिए होने पर दो मानते हैं। अगर मान लेते हैं केवल इस तरीके से किसी संख्या पे 15 पे करणी लगी है, तो यहाँ पे कोई मान देखिए घात लिखा नहीं गया है तो यहाँ पे दो माना जाता है, अगर कुछ नहीं है तो दो है। ठीक है, तो जैसे पांच यहाँ पर करणीगत संख्या है तथा करणी की जो घात है वह दो है, जैसे यहाँ पे दो है और यहाँ पे भी दो है, कुछ लिखा नहीं है तो करणी की घात क्या है, दो है। ठीक, इस प्रकार से आप करणी समझ गए, करणी की घात समझ गए, और इसी को जैसे ये लिखा है आपका, इसी को हम एक वे में और लिख सकते हैं, जैसे करणी में दो लिखा है तो इसको लिख सकते हैं दो के घाते, यहाँ पे करणी की घात कितनी है दो, तो इसको लिख सकते हैं 1/2, और कहीं पे जैसे अब इसको कितना लिख सकते हैं 5 के घाते 1/2, और इसको लिख सकते हैं 17 के घाते 1/3। घात के रूप में अगर लिखना चाहें करणी हटा करके तो लिख सकते हैं 1/3, इसको कितना लिख सकते हैं x के घाते 1/n। ठीक है, तो इस तरीके से ये समझ गए आप। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो करणी के नियम, करणी के नियम क्या क्या होते हैं, रूल्स ऑफ सर्ड्स। देखिए पहला नियम क्या कह रहा है आपका, पहला नियम कह रहा है कि ब्रैकेट में करणी n करणी a के घाते n, n घात की करणी लगी है a पे और उसके घाते n है, तो इसको कितना लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि कहीं पे अगर इस तरीके से a पे करणी लगी है n घात की तो इसको लिखा जा सकता है 1 के घाते 1/n, तो वही यहाँ पे देखिए लिखा गया है n करणी a, तो इसको लिख सकते हैं 1 के घाते 1/n और इसके घात में है n। ठीक, अब आपने घात में नियम पढ़ा है कि a के घाते अगर m है और इंटू 1 के घाते n है तो इसको कितना लिख सकते हैं 1 के घाते m इंटू n, तो वही यहाँ पे देखिए 1 के घात में 1/n है और के घात में n है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 के घाते 1/n गुणे n। तो देखिए यहाँ n हर में है, यहाँ अंश में है, कट जाएगा और बचेगा क्या 1 के घाते 1 यानी कि a, यानी कि अगर कहीं पे पहले नियम से आप क्या समझ पा रहे हैं, अगर कहीं पे किसी संख्या पे n घात की करणी लगी है और उस पे घात n है,
तो ये करणी हट जाएगी और केवल संख्या रह जाएगी। ठीक है, तो यहां पे देखिए, जैसा कि एग्जाम्पल से समझिए कि क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट ऑफ 64 इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता है, 4 का 3 बार गुणा, तो 4 × 4 × 4 ये हो गया। अब इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 4 का 3 बार गुणा यानी कि 4 के घाते 3। अब इसके बाद देखिए, ये जो क्यूब रूट है इसको कितना लिख सकते हैं घात के रूप में, इसको लिख सकते हैं, ये अंदर है 4 के घाते 3 और इसको लिखा जा सकता है 1/3, करणी हटा करके 1/3 लिखा जा सकता है, क्योंकि कहीं पे अगर n घात की करणी हो तो उसको लिख सकते हैं घात में 1/n, तो वही लिख दिया है, 3 घात की करणी थी तो 1/3 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 4 के घाते 3 के घाते 1/3 है, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 4 के घाते 3 × 1/3, यहाँ अंश में 3 यहाँ हर में 3 कट जाएगा, बचेगा कितना, 4 के घाते 1, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 4। मान कितना आ गया इसका, इसका मान आ गया 4। यहाँ पे देखिए, जो करणी की घात थी वही आपको अंदर संख्या की घात मिल गई, 4 के घाते 3। तो यहीं पे एक चीज, एक और क्लॉज बढ़ा लीजिए यहाँ पे, अगर देखिए चाहे घात यहाँ पे n हो चाहे इस तरीके से हो, n घाते a के घाते n, ठीक है, तो भी ये वैल्यू कितना आएगा, तो भी ये वैल्यू a आएगा। ठीक, चाहे n घात की करणी और करणी में a के घाते n हो, या फिर n घात की करणी और करणी के अंदर a के घाते n हो, दोनों का मान कितना आ जाएगा, दोनों का मान a आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये समझ गए आप। अब इसके बाद एक प्रश्न और आप इस पे देख लीजिए, देखिए प्रश्न है क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5 के घाते 3, ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 5 को कितना लिख सकते हैं, 5 के घाते 1/3, और पूरे के घाते कितना है, 3। अब ये हो जाएगा 5 के घाते 1/3, घात के ऊपर घात, a × a के पावर m के पावर n, तो a के पावर हो जाता है m × n, तो यही हो जाएगा यहाँ पे 5 के घाते 1/3 × 5, 5 के घाते 1/3 × 3, 3 से 3 कटा, ये हो गया 5 के घाते 1, यानी कि मान कितना आ गया, 5। तो इस तरीके से चाहे पूरे करणी पे सेम घात हो या अंदर सेम घात हो, तो मान जो आ जाता है वही, जो करणी में राशि रहती वही आ जाता है। तो ये यहाँ पे आपने सीख लिया इन दोनों प्रश्नों से, दोनों तरीके का एग्जाम्पल आपने देख लिया। इसके बाद देखिए दूसरा नियम करणी का क्या कह रहा है, एक n घात की करणी a × b लिखा है, n घात की करणी के अंदर a × b लिखा है, तो इसको आप अलग अलग जो संख्याओं का गुणा हो रहा है, ठीक है, गुणा हो रहा है तो बीच में गुणे का चिन्ह आ जाएगा, और जो करणी लगी है उतने घात की करणी आप दोनों पे लगा दीजिए, यानी कि अगर कहीं पे लिखा है n घात की करणी a × b, तो इसको लिख सकते हैं n घात की करणी a × n घात की करणी × b। ठीक, तो ये लिखा जा सकता है। अब इस पे हम लोग प्रश्न देखते हैं, देखिए करणी में है 18 का मान ज्ञात करो, तो करणी में 18 का मान 18 को लिख सकते हैं 9 × 2। अब अलग अलग करणी लगा सकते हैं इस नियम के अनुसार, तो करणी में 9 और गुणे करणी में 2, करणी में 9 को कितना लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और गुणे √2। अब देखिए 3 का स्क्वायर और यहाँ पे भी करणी की घात 2 है, तो अब पहले नियम से क्या होगा, ये करणी हट जाएगी, ये 2 का घात जो है वह हट जाएगा, इसको सीधे सीधे 3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ करणी की घात 2 थी और यहाँ संख्या की घात 2 थी, तो दोनों घात आपस में कैंसल हो जाएगा, और ये जो संख्या आधार में है वह बच गया 3 और गुणे √2। अब √2 ऐसे ही रहेगा, तो ये आपका मान आ जाएगा 3√2, क्योंकि √2 की वैल्यू आप निकालोगे नहीं, लिखोगे नहीं, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट कोई आती नहीं है, तो √2 ऐसे ही छोड़ देंगे, तो 3√2 ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस नियम का आपने प्रयोग किया, पहले नियम का आपने प्रयोग किया, दोनों नियमों से आपने इसको हल कर लिया। ठीक है, कहीं कोई डाउट,
देखिए करणी में मान 18 दिया था, 18 को 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया करणी में 9 गुणे 2। अब इस नियम से, पहले नियम से, अगर किसी करणी में गुणा हो रहा है, दो संख्या है आपस में गुणा हो रहा है, तो दोनों को अलग अलग गुणे के रूप में लिख सकते हैं। बस शर्त यही है कि जो करणी लगी थी वो लगी रहेगी। तो वही हमने कर दिया, 9 गुणे 2 को करणी में 9 गुणे 2 को हम लिख सकते हैं, करणी में 9 गुणे करणी में 2। अब करणी में 9 को हम लिख सकते हैं करणी में 3 के घाते 2, तो ये हो जाएगा 3, और ये रूट 2 ऐसे ही चला आया, तो 3√2 ये आपका मान आ गया। ठीक, अब इसके बाद अगला नियम हम देखते हैं। देखिए तीसरा नियम क्या कह रहा है, एन घात की करणी और करणी के अंदर क्या है, a बटे बी, यानी कि एक भिन्न है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है। देखिए अंश पे सेम करणी आप लगा दीजिए और हर पे सेम करणी लगा दीजिए, ठीक है। यानी कि कहीं पे अगर लिखा हो रूट 4/5, तो इसको लिख सकते हैं रूट 4/√5। ठीक है, जो बस शर्त ये है कि n घात की करणी है, तो वही बस n घात की करणी आप दोनों संख्याओं पे लगा दीजिए, अंश पे और हर पे। ठीक, ये नियम हो गया आपका। जैसे आपने गुणा में देखा था कि गुणे का चिन्ह हम रख रहे थे सेम, बस करणी जो है दोनों संख्याओं पे अलग अलग लग जा रही थी, ऐसे अलग अलग करणी जो है अंश और हर पे भी हम लगा सकते हैं। अब देखिए इस पे आधारित प्रश्न, करणी में 12/121 इसको सॉल्व करना है, तो आप अंश पे अलग करणी लगा दीजिए करणी में 12, और हर पे करणी में 121 अलग करणी लगा दीजिए। अब देखिए करणी में 12 को क्या लिख सकते हैं, करणी में 12 को लिख सकते हैं 4/3, और यहां 121 क्या होता है 11 का 2 बार गुणा, तो इसको लिख दीजिए 11/11। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहला नियम या ये दूसरा नियम आप समझिए, दूसरे नियम में हमने क्या पढ़ा कि अलग अलग करणी लगा करके संख्याओं को गुणे के रूप में लिख सकते हैं। तो जो करणी में 4/2 था उसको हमने लिख दिया करणी 4/3। अब ये देखिए करणी में 11 का 2 बार गुणा, यानी कि 11 का स्क्वायर। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे, तो देखिए करणी में 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख दीजिए गुणे √3, वैसे ही रहेगा। और ये देखिए करणी की घात यहाँ कितनी है 2, और यहाँ संख्या जो है उसकी भी घात कितनी है 2, तो संख्या को वैसे लिख दीजिए करणी हट जाएगी, और इसी तरीके से यहाँ भी करणी हट जाएगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2√3/11, यही आपका उत्तर आ जाएगा 2√3/11। ठीक है, देखिए किस तरीके से हमने सॉल्व किया, हमने अंश में अलग करणी लगा दी, हर में अलग करणी लगा दी, और अंश में गुड़े के रूप में लिख दिया, ठीक है 12 को गुड़े के रूप में लिख दिया 4/3, और 121 को लिख दिया 11/11। अब ये फिर 4/3 जो करणी में था उसको अलग अलग करणी में कर लिया, और यहाँ पे सॉल्व करते गए तो हमें वैल्यू कितनी मिल गई 2√3/11, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे छोड़ देंगे क्योंकि इसके बाद कुछ होगा नहीं। इसके बाद देखिए नियम 4 है, करणी एम घात की करणी लगी है, उसके बाद एन घात की करणी लगी है और उसमें ए है, तो ये क्या हो जाता है, देखिए एम घात की करणी और फिर एन घात की करणी, तो इसको बराबर लिख सकते हैं एम इंटू एन घात की करणी और करणी में ए। ठीक है, तो ये ऐसी बात है कि जैसे करणी 4 घात की करणी लगी हो और उसके बाद 3 घात की करणी लगी हो और इसमें लिखा हो 217, और तो इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 और 3 का गुणा कर लीजिए 12 घात की करणी लगा देंगे 217 पे। ठीक, तो यही है। अब यहाँ पे देखिए इस पे इसी तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, तो 3 घात की करणी, फिर 2 घात की करणी लगी है, और करणी में क्या है 24 है संख्या, तो अब बस करणी का गुणा कर लीजिए 3 × 2, तो कितना हो जाएगा करणी की घात 6 हो जाएगी और उसमें आ जाएगा 24, तो ये भी एक नियम हो जाता है। ठीक है, ये चाहे तो आप प्रूफ भी एक तरीके से सिंपली कर सकते हैं। कैसे, देखिए एम घात की करणी जो है उसको हम चाहे तो हटा करके क्या लिख सकते हैं, इसके घात में 1/m। ठीक, और इसी तरीके से एन घात की करणी को अगर हटाना चाहे तो लिख सकते हैं 1 की घाते 1/n, और के घाते 1/m है,
तो यहाँ पे देखिए घात के ऊपर घात है, तो घातों का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए के घाते एक बटे एन गुणे एक बटे एम, यानी कि ये हो जाएगा ए की घात में एक बटे एन इंटू एम, या इसी को लिख दीजिए। अब ए के घात में वन बाई एन इंटू एम है, यानी कि ये वन बाई एन इंटू एम जो हो जाता है तो ये करणी दिखाने लगता है, यानी कि एन इंटू एम घात की करणी में ए। तो प्रूफ आ गया, यही था। तो इस तरीके से ये चौथा नियम भी आसानी से आप कहीं भी लगाना चाहोगे प्रश्न में लग जाएगा। इसके बाद देखिए पांचवा नियम क्या कह रहा है। पांचवा नियम कह रहा है कि एन घात की करणी में अगर ए लिखा है और उसके घात में एम है, तो ये जो एम बाहर घात है, ठीक है, पूरे की घात है, इसको चाहे तो आप केवल करणी में जो संख्या है उसके घात में एम दर्शा सकते हैं और ये करणी उसी तरीके से रहेगी, बस जो घात पूरे पे थी वो यहाँ संख्या पे अंदर आ गई। दोनों का मतलब एक ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जैसे चार घात की करणी में चार लिखा है और के घाते दो है, तो इसका मान हम अगर निकालें तो हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे जो घात है वो अंदर लिखी जा सकती है, जैसे चार घात की करणी और करणी में चार के घाते दो लिखा है, तो ये जो दो घात है ये हम लोग करणी में अंदर भी लिख सकते हैं, बस करणी में कोई चेंज नहीं हुआ, जो पूरे की घात थी वही यहाँ पे संख्या की घात हो गई। तो चार घात की करणी, करणी में चार के घाते दो हमने लिख दिया, और चार के घाते दो कितना हो जाएगा 16, और 16 को क्या लिख सकते हैं, दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, यानी कि दो के घाते चार। तो ये हो गया चार घात की करणी और करणी में दो के घाते चार, और यहाँ पे देखिए करणी की घात और संख्या की घात बराबर हो गई, तो ये जो संख्या का मान है वही हमारा उत्तर आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं दो के बराबर, ये नियम हमने पढ़ा ही है। तो इस तरीके से वैल्यू कितनी आ गई, दो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अगर कहीं पे लिखा है तीन घात की करणी है और कोई संख्या 16 और उसके घाते जो है वह यहाँ पे चार है, तो इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 16 to the power 4, ठीक है। जो यहाँ घात में है वो संख्या की घात में लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये आप अब सॉल्व कर लोगे आसानी से। इसके बाद देखिए अगला नियम है, नियम 6, जैसे सी के बटे ए धन एन रूट बी अगर लिखा है तो उसको क्या लिखा जा सकता है, ये समझिए। जैसे सी के बटे में ए धन एन घात की करणी और करणी में बी ये लिखा है, तो ये बस आप हर को देखिए, अंश में कुछ अलग संख्या लिखी है, हर में क्या लिखा है, हर में एक संख्या लिखी है और उसमें जुड़ रही है एन घात की करणी, ठीक। तो अब इसको क्या करते हैं हम, इसको सॉल्व करने के लिए, अगर इस तरीके का आपको कहीं पे मिल गया तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके हर में जो लिखा है इसके हर में बस चिन्ह परिवर्तित कर करके इस चिन्ह को, जैसे धन लिखा रहेगा तो ऋण बना करके a माइनस एन घात की करणी और करणी में b से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखिए जो यहाँ पे हर में लिखा है बराबर, ये संख्या तो हमारी है ही, आपको पता है कि कोई भी जैसे 4/5 ये भिन्न लिखा है, इसमें अगर हम गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे 3 से, ठीक है, तो इस भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब हमको करणी का सोल्यूशन करना होता है, करणी को सॉल्व करना होता है, तो हम अपने सहूलियत के लिए कि हमको सरल फॉर्म मिल जाए, अब देखिए इस तरीके से ये लिखा हुआ है, आपका अंश में एक संख्या है और हर में आपकी एक संख्या है और करणी जुड़ रही है, यानी कि आपका हर में करणी आ रहा है, तो इस हर को करणी से खत्म करने के लिए, हर में हम नहीं चाह रहे हैं, जैसे कहीं पे लिखा है 4/2 धन क्यूब रूट ऑफ 5, ये कहीं पे लिखा है, अब हम चाह रहे हैं कि इसका हम सरलतम रूप लाएं, इसको हल करके लाएं, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 4/2 धन q
क्यूब रूट ऑफ 5 जो लिखा है इसको हम लिखेंगे गुणे 2, अब धन था तो हम ऋण से गुणा कर देंगे, 2 ऋण क्यूब रूट ऑफ 5, फिर 2 गुणे ऋण क्यूब रूट ऑफ 5, इस तरीके से हम गुणा कर देंगे। बस ये जो हर में लिखा है यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, माइनस कर देंगे और उसी का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, बस इतना करना है। इसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो आसानी से चीजें सॉल्व होने लगेंगी, यही इस नियम में कह रहा है। जैसे कि यहाँ पे हर में देखिए ए धन एन घात की करणी बी था, तो इसी को माइनस बना करके इसी में जो पहले हमारे पास पद था ऊपर नीचे गुणा कर दिए हैं, क्योंकि सेम से गुणा करेंगे तो कोई अंतर आएगा नहीं, बस हमारा सोल्यूशन जो है वह सही आएगा। अब देखिए जैसे प्रश्न दिया है आपको 5/2 ऋण √3 को हल कीजिए, तो इसको आपको हल करना है, दिया है 5/2 -√3। अब इसको हल करने का मतलब ये प्रश्न आपको दे दिया तो इसका मतलब यही हो गया कि आप इसको सरल करिए, और सरल करने का तरीका क्या है, जो हर में दिया गया है उसका चिन्ह परिवर्तित करके आप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ये एक नियम एक ट्रिक समझ लीजिए है सॉल्व करने की। तो ये देखिए 2 और धन √3 मैंने लिख दिया और इसी 2 धन √3 का ऊपर नीचे मैं गुणा करूंगा, तो अंश में गुणा करूंगा तो 5 का गुणा होगा 2 धन √3 में, और यहां हर में गुणा करूंगा तो देखिए यहां भी 2 पद हैं और यहां भी 2 पद हैं, ठीक। और यहां पे देखिए 2 √3 है, 2 -√3 है और यहां 2 धन √3 है। अगर आपने नियम पढ़ा है सरसमी का तो आपको पता है अगर कहीं ब्रैकेट में a प्लस बी है और उसमें गुणा हो रहा है a माइनस बी का, यही तो हो रहा है यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है, a की जगह है 2 और b की जगह क्या है √3, तो इसी को लिखा जा सकता है, यही बराबर लिखा जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं a की जगह है 2 और b की जगह है √3, तो √3 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए अंश में है आपका 5/2 धन √3 और हर में क्या है, देखिए 2 का स्क्वायर 4 आ गया और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कर्णी की घात 2 है और पूरे की भी घात 2 है, यानी कि कर्णी हट जाएगी तो ये आ जाएगा -3। अब इसको चाहे तो देखिए 4 - 3 हर में 1 हो गया, हर में 1 हो गया तो हर आपका हट गया, तो ऊपर ये आपका बच गया 5 × 2 + √3। अब चाहे इसको गुणा कर लीजिए, 5 का गुणा हो जाएगा दोनों पदों में, या यहीं पे छोड़ दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सरल करके हमको ये मिल गया, इस तरीके से हर जो है वह खत्म हो गया और इस तरीके से ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नियम 6 नियम आपने देख लिए कर्णी के, और घातांक के आपने देखे 5 नियम, ठीक है। कर्णी के आपने 6 नियम देखे और घातांक के 5 नियम देखे, इस तरीके से जितने भी कर्णी और घातांक के नियम थे ये आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक। तो आज के क्लास में आपने देख लिया घातांक के नियम, कर्णी के नियम क्या क्या होते हैं, किस तरीके से इस पे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे प्रश्न थे आपके, और यही प्रश्न जो है लॉन्ग फॉर्म में भी आपके बन सकते हैं इन्हीं पे सभी नियम का इस्तेमाल करते हुए। तो छोटे छोटे जो नियम है ये आपके, इन पे आपको प्रश्न जो है करते रहना, ताकि जो बड़े प्रश्न है वो आप अच्छे से कर पाओ। उम्मीद है कि यह जो आपकी पहली क्लास हुई कॉन्सेप्ट की और उनपे आधारित प्रश्नों की, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अधिक से अधिक शेयर करना है आपको, ताकि पता चल पाए कि इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपके लिए नोट्स तैयार करके, इस तरीके से प्रेजेंटेशन तैयार करके मैं आपको चीजें लेकर के आ रहा हूं। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अधिक से अधिक शेयर सभी ग्रुपों में, सभी जितने आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं सभी में करना है, ठीक है। और आप चाहते हैं
कि ये क्लासेस के नोट्स आपको मिल पाए और आगे जो क्लासेस होंगी वो आपको मिल पाए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको सभी क्लासेस मिलने वाली है। फोर्थ सेमेस्टर का देखिए पूरा कोर्स हमने पहले भी पढ़ाया है और अब भी नए तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं, इस तरीके से इंटरेक्टिव मैनर में, तो आपका पूरा कोर्स तैयार है पहले से भी, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से हम डीएलएड को पढ़ा रहे हैं, तो सारा नोट्स से सारी क्लासेस पहले से अवेलेबल है, राजन पॉन सीरीज का सोल्यूशन अवेलेबल है, उसका पीडीएफ अवेलेबल है, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारा कुछ आपका अवेलेबल है ऐप पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए, नंबर दिया गया है, कहीं कोई डाउट हो कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है। अपनी तैयारी अभी से करते रहिए फोर्थ सेमेस्टर की बहुत अच्छे ढंग से, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, कॉल करिए, मैसेज करिए, कैसे भी। तो यहां तक अब समझ गए, इसके बाद जो चीजें हैं आपकी इस चैप्टर में हम अगले क्लास में देखेंगे, तब तक ऐसे बने रहिए। आपको सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सभी विषयों को पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।